हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माधव की रसोई में। और आज मैं माधव की रसोई में कोई रेसिपी नहीं बना रही हूँ, या ना मैं कोई ऐसी कोई डिश बना रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ में ना एक चीज़ शेयर करूँगी जो कि लड़कियों से संबंधित है। मैं हमेशा मैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे या मैं न्यूज़ में ये सुनती हूँ कि बेटियों ने आत्महत्या कर ली, वो बेटी सड़ के मर गई या जल के मर गई, मार दिया कर दिया। तो मैं एक बात सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि वो बेटियाँ क्यों मरती हैं, क्यों मरती हैं? वो बेटियाँ इसलिए मरती हैं कि वो माँ बाप जो होते हैं ना, वो उनको भेंट चढ़ा देते हैं। आप पूछेंगे कि क्यों चढ़ा देते हैं? माँ बाप तो घरवार अच्छा देखते हैं, पति अच्छा देखते हैं। नहीं, माँ बाप सब कुछ देखते होते ना तो आज बेटियाँ ना मरती। एक तो माँ अपनी बेटी को इतना स्ट्रोंग बनाए, इतना स्ट्रोंग बनाए। ये बेटियों को माँ ही होती है जो स्ट्रोंग बना सकती है, बाप नहीं बना सकता। तो बेटियों को इतना स्ट्रोंग बनाओ जिससे कि बेटी कभी ये इस लाइन के बारे में सोच भी ना सके कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, या जो बच्चे पैदा करती हैं और फिर उनको छोड़ के आत्महत्या कर लेती है। क्यों मरना है? हम लोग क्यों नहीं जी सकते? क्या एक आदमी ही है जो हमारे लिए सब कुछ है? हम क्यों नहीं है? हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारा जीवन है ना इतना अनमोल है, इस जीवन की कदर करना सीखो। जिंदगी में दुख सुख लगे रहते हैं। अगर आदमी एक मारता है तो औरत में वो शक्ति है कि वो चार लगा सकती है। तो आप आत्महत्या क्यों करती हो? मैं हर रोज पंजाब का कोई ना कोई ऐसा आता है कि उसने मार दिया। वो अकेली एक औरत ऐसी होती है जो अपने आप को वो बचा सकती है, उसके अंदर वो शक्ति है। तो औरत क्यों पिटती है, लड़की क्यों पिटती है? क्योंकि माँ बाप शुरू से उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एक ये है कि आजकल क्या है कि फोनों पे माँ बाप बेटियों से, माँ बाप नहीं करता, माँ बेटियों से हमेशा क्या बनाया क्या करा, ये चीजें गलत हैं। बेटी को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत जरूरी है। ये कहना कि ससुराल में कैसी है, कैसे का क्या मतलब होता है? जब तुमने शादी करी है तो कैसी है, वो ठीक है। उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, लड़ने की इतनी क्षमता दो। पहली बात तो उसको पढ़ा लिखा के अपने पैरों पे खड़ा करो जिससे कि वो कभी किसी के मोहताज ना रहे। मैं बेटियों से भी यही कहूँगी कि आप लोग मरने के अलावा और भी बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। ये दुनिया में ना संघर्ष करना सीखो, इस दुनिया को जीतना सीखो, इस दुनिया से लड़ना सीखो। आप अच्छे राह पर चलोगे तो आपके राह में कांटे ज़रूर आएंगे, आप पे उंगली जरूर उठेगी, आप सेफ नहीं रह सकते हो। तो नारी में वो शक्ति है जो सब कुछ कर सकती है, तो आप क्यों मरने की बात करते हो, क्यों अपने आप को ख़त्म करते हो? अपना जीवन अपने बच्चों को कुर्बान करो ना, उन बच्चों को इतना स्ट्रोंग बनाओ। आदमी मार नहीं सकता जब तक औरत उसको ढील नहीं देगी। आदमी की क्या मजाल, सास ससुर की क्या मजाल जो मार सके? संस्कार सीखो ना, उनको अच्छे से मेंटेन करना सीखो। बेटियां मरने से कुछ नहीं होगा, मरना तो एक अलग बात हो गई। हर संभव ये कोशिश की जाए कि हमने स्ट्रॉन्ग बनना है और हमें अपने आप को प्रूव करना है। जो इंसान आपको अगर वो मार रहा है तो क्यों मार रहा है, क्यों वो आपको इतना दुख दे रहा है? तो आप ये सोचो, जब आप देखो कि भाई मेरा पति के साथ गुजारा नहीं है या ससुराल में गुजारा नहीं है, आप अपनी जगह अच्छे हो। अगर आप में कमी है तो वो, तो फिर आपकी कमी आप सुधारो। अगर नहीं सुधर सकती है तो आप अपने आप को अलग कर लो। मरने से काम नहीं चलेगा, अपने आप को ख़त्म करने से काम नहीं चलेगा। आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए जिससे कि उनको जवाब अपने काम से और अपने हिम्मत से दे सको, ना कि मारने से या लड़ने से। लड़ाई क्या होती है? लड़ाई कुछ भी नहीं होती, लड़ाई अपनी सोच की होती है, समझ की होती है। मेरा अपना मानना है कि हमेशा लड़की अपने को मेंटेन कर सकती है। कितना भी जाहिल परिवार होगा, कितना भी मार धाड़ वाला परिवार होगा, बेटी कर सकती है, वो शक्ति है उसके अंदर। तो मरने से क्या होता है? मरना नहीं है। नारी के अंदर एक शक्ति है, चुप। जितना आप चुप रह के उसको जवाब दे सकते हो, वो जवाब आप लोग ही दे सकते हो। बेटियां, मरने से काम नहीं चलेगा। आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए और इतना मजबूत करिए कि किसी को ये कहने की हिम्मत ना पड़े कि फलाने की बेटी ने आज
फांसी लगा ली। फांसी लगाना कोई आसान काम नहीं है। अपना जीवन को भगवान ने हमें जीवन दिया किस लिए? अच्छे कर्म करने के लिए, अच्छी बातें करने के लिए, इस संसार में जो दुखी है उसको सुख देने के लिए। तो आप लोग मर के क्या सबूत देना चाहते हो, क्या प्रूफ करना चाहती हो कि मर गई, लव मैरिज कर ली। अरे लव मैरिज करना ही है तो माँ बाप से ही करो ना, माँ बाप को बोलो तो माँ बाप करेंगे ना। आप लव मैरिज करके बैठ गए, आगे फिर थोड़े दिन का तो होता है कि भाई खाया पिया अपना चल पड़े, फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते। तो ऐसा काम क्यों करो? अगर माँ बाप भी नहीं कर रहे, आप भी कर रहे हो, तो स्ट्रांग बनो ना, उसके लड़ने की क्षमता अपने अंदर लाओ। मरने से कुछ नहीं था, जिनको जन्म देती हो आप उनको तो सोचो कि उनका क्या हाल होगा। जब आपके साथ में वो पति ऐसा करता है तो बच्चों के साथ क्या करेगा, खास करके बेटियों को। जिसके पास बेटी और वो मर जाती है तो उन बेटियों का ना मां नहीं मिलती। बाप दूसरी शादी करेगा लेकिन मां नहीं मिलेगी, उसको पत्नी मिल जाएगी लेकिन एक मां नहीं मिलेगी। तो मैं बहनों से, बेटियों से यही कहूंगी कि आप मरने की मत सोचो, कुछ करने की सोचो। आपके अंदर शक्ति है, आप कर सकते हो, आप इतना कुछ कर सकते हो कि कोई भी नहीं कर सकता। औरत वो शक्ति है कि हर किसी को अपनी मुट्ठी में दबा के चल सकती है। नारी कमजोर तो है नहीं, आप लोग कमजोर बनाते हो मर के। वहां फांसी खा ली, अब के वहां फांसी खा ली, कनाडा में फांसी खा ली, ये कहां का इंसाफ है? जब आपके ऊपर आदमी हाथ छोड़ता है तो आपकी शक्ति कहाँ चली जाती है? आपको क्यों पीटता है वो? आपकी कमजोरी क्यों पकड़ता है वो? आप कमजोर हो जाते हो। कमजोर ना बनो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। मरने से उनकी नाक काटो मत, उनकी पगड़ी को दांव पे मत लगाओ, मेरा तो अपना मानना है। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो, अगर आप चाहते हो कि मैं स्टोरी ऐसे बनाऊं और आपको मोटिवेट करूं, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। आप मुझे कमेंट्स करें, ये मैं माधव की रसोई में डालूंगी ये वीडियो, तो आप ज़रूर देखें और मुझे बताएं कि बेटियों को मेरा बहुत कष्ट होता है मेरे को देख के कि बेटियां आज वहां फांसी खा ली, महीना शादी को हुआ था जहर दे दिया। जहर देने वाला कौन है? जहर क्यों खा रहे हो आप? क्या वो लोग इतने स्ट्रांग हो गए और आप लोग इतने कमजोर हो गए? एक औरत 10 आदमियों को हैंडल कर सकती है अगर शक्ति हो तो। अपने अंदर से शक्ति जगाओगे तो जगेगी ना। अब आप सोच लो कि भाई मारना है तो मरेगा, तो उससे काम नहीं चलेगा। मेरा यही कहना है कि बस अगर आप बेटी हो तो बेटी नहीं बेटा बन के दिखाओ माँ बाप का। जैसे माँ बाप शादी करते हैं और आपको लगता है कि जरा सा भी कि भाई मेरे ससुराल में मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, पहले तो उसको हैंडल करो, और नहीं कर सकते तो आप छोड़ो, मरना क्यों है, जियो, जी के अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। दुख सुख तो भाई बहन है, इनसे मत घबराओ। तो चलो ठीक है फ्रेंड्स, आगे अगर आपको ये स्टोरी मेरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स, और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है या मेरी माधव की रसोई में मेरा खाना, जो भी आप पसंद करोगे मैं अपना चैनल उसी हिसाब से डिसाइड कर लूँगी। तो सबको राधे राधे। बस मेरा बेटियों से यही निवेदन है कि आप फांसी ना खाएं, जहर ना खाएं, आप अपने माँ बाप को नीचा ना दिखाएं। बस मेरा वीडियो इस बेटियों के ऊपर है, ठीक है? अगर भगवान बेटी दे तो किस्मत दे। जय हिंद, जय भारत।